सिवान एक बार फिर से अपराधियों की गिरफ्त में है। लगातार बढ़ते अपराध, दिन दहाड़े फायरिंग से लोग दहशत में हैं। कानून के राज में सिवान थर्रा उठा है। आज रविवार को जब दो दिन से लापता युवक का शव सड़क किनारे गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया तो परिजनों में आक्रोश फूट पड़ा। गायब युवक का शव मिलने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के माधोपुर के जीन बाबा के समीप की है। मृत युवक की पहचान हैप्पी चौबे के रूप में की गई है। मृत युवक के परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया कि हैप्पी दुबे एक विवाद को सुलझाने अपने दोस्त के साथ एक गांव में गया हुआ था, जहां गांव के कुछ युवकों से बकझक होने के बाद वह वापस लौट रहा था कि तभी अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया। काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन हैप्पी का पता नहीं चला। रविवार की सुबह शौच करने गए लोगों ने सड़क किनारे गड्ढे में शव को देखा तो लोगों ने पुलिस को खबर दी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी तो शव की पहचान हैप्पी दुबे के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस ने शव को सिवान सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत युवक हैप्पी चौबे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमलोरी गांव का रहने वाला था। ये कि मेरे भाई के पास फोन किया था अंकित फोन किया था मेरे भाई के पास। मेरा भाई गया, मेरे भाई को आके यहाँ से ले गया लो वहाँ पे। कहाँ पे? माधोपुर। माधोपुर ले गया लो। दिन के द्वार पे पंचायती हो रहा था, रसाम को इसको मारा था लो तो जान बचा के भागा था। किस लिए मारपीट हुआ था? मारपीट हुआ था कि अंकित से मिलने के लिए तू काहे लिया है। अंकित है जलालपुर का। क्या है उसका दोस्त है, वो आया था भेंट करने, तो इसीलिए पप्पू सिंह जो है मुना सिंह का लड़का टिकलू सिंह वो मारा है। बहुत मार, मुंह में पिस्टल भी हो रहा था, बहुत मार मारा। इसके बाद ही जान बचा के भागा। उसके बाद अंकित बोला है कि सुबेरे आओ लोग पंचायती हुई द्वार से। अब पंचायती के समय जब लोग बैठ बैठे तो टिकलू सिंह के द्वार पे ईंटा गोली फायरिंग द्वारों पर बैठवा। ओकरा बाद टिकलू सिंह लड़का भेजले बड़े कि जाके देख लो भागा तरन केने आ गुंडा भेजवा के माधोपुर जिन बाबा तर हमारा भाई के गोली मार दिल वालो। भाई हमारा पानी में गिर गई बड़े। गोली मारा लाश एवरा मिला ला गोली अब परसों के काल के मारल था। पुलिस का है में कार्रवाई कर दिया। पुलिस के में कोनो कार्रवाई नहीं के उका नाम उनकर 12 घंटा हो गया था। आवेदन दिया पुलिस क्या कार्रवाई कर रहा है पहले बताएंगे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस चले हो गया। आप लोग नाम बताइए। नाम बताइए। कुमार जो है ना, हाँ, उतारवारा थाना के। हाँ। उनका वो मिले हैं टिकलू सिंह के ऊपर। हाँ। 3 घंटा आके थाना में बैठा था टिकलू सिंह के साथ। प्रमोद कुमार बोले थे कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ईश्वर गए। आप लोग FIR करने गए थे? हाँ। क्या हुआ? FIR हुआ है? हम लोग अपना थाना में सब हुआ है। पानी में डूबा हुआ डेड बॉडी था। हाँ। हम लोग पता लगा जो भाई खुला हुआ सो था उसके लेकर। कहाँ का सर ये मामला है? ये तो माधोपुर में डेड बॉडी पाया गया। क्या मामला क्या है सर? कुछ पता चला है सर? अभी कुछ परसों जो है कुछ गोली मारा हुआ था संभवतः उसी से जुड़ा हुआ मैटर लग रहा है। गोली मारा गया है? नहीं, गोली का कोई स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद पता चल पाएगा। जांच के बाद क्लियर नहीं हो रहा है गोली है क्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार की दोपहर जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के जीन बाबा के समीप अपराधियों ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी, पर घायल युवक कहाँ गया लोगों ने इसकी पड़ताल भयवश नहीं की थी, जबकि युवक की मौत हो गई। उधर युवक के परिजन युवक के गायब होने की सूचना थाने में दर्ज करा दिया था। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर ही लगाया है। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। बहरहाल सिवान काफी दिनों से खामोश था, लेकिन अचानक से अपराधियों की आमदरफ्त ने सिवान की नींद उड़ा दी है। खुलासा के लिए सिवान से विजय कुमार की ये खास रिपोर्ट।